सिलेंडर 2000 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं, नहीं। देखिए, पहले मैं अब से करीब 20 साल पहले 900 रुपए महीना कमाता था, ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरी खर्चे थे। आज मैं 57,000 रुपए कमा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, तो खर्चे तो बड़े, महंगाई तो बड़ी पड़ेगी। अरे मेरी सैलरी बढ़ रही है वो नहीं दिख रही आपको, लेकिन जो महंगाई हो रही है वो बढ़ दिख रही है आपको। सिलेंडर के दाम पता है आपको? सिलेंडर के दाम है 1,000 रुपए का, बताइए महंगाई है या नहीं? नहीं, कोई महंगाई नहीं है। ये क्या बात करता है यार, कोई महंगाई, ये मेरी बात सुनिए। सरकार ने इनका 4% DA बढ़ा दिया है तो आ रहा है, इसलिए मोदी जी से खुश है। वाह मोदी जी, वाह वाह। और जो युवा है वो बेरोजगार है, इसलिए वो दुखी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महंगाई है, इनका 4% ये बढ़िया, ये खुश हो गए, अपने को मत देखो। देश उन्नति कर रहा है, लगातार उन्नति कर रहा है। आज विश्व में हम 5वें स्थान पर हैं, सिर्फ ये मोदी जी की देन है। कब हुआ, कब? किसी की नहीं, इससे पहले की सरकार है। आप मुझे उठा के दिखा दीजिए जिसने देश के हित में कोई काम किया हो। तेरा तो गेम बजाना पड़े। दादा, आप 57,000 रुपए महीना कमाते हो, भगवान ना करे किसी भी वजह से कल को आपको 37,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, उसको आप बेरोजगार बोलोगे, क्या बोलोगे आप? गुड क्वेश्चन। नहीं बोलेंगे बेरोजगार, अपनी कम खर्चों को कम करेंगे हम। अच्छा, कम करेंगे। अगर हम 57,000 रुपए का खर्चा कर रहे हैं आज हिसाब से, अगर 37 हो गए तो हम 37 के हिसाब से अपना बजट बनाएंगे। कौन है ये लोग? 27 भी हो गए तो भी होगा, लगता है तुम गुड़ खा के ही मानोगे। देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे सिलेंडर 2,000 रुपए का हो जाए, चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। 4,000 का भी हो जाए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो, क्योंकि 57,000 रुपया दे रहे हो आप। उस महिला से पूछो जो काम करने घरों घरों में जाती है, 4,000 रुपए महीना कमाती है। मेरी बात सुन लो, पहले सुन लो, पहले 4,000 कमाती है। अगर उसने 5 घरों में काम करा तो 20,000 रुपए तो सीधा हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो 7 एक घर में आपके घर काम वाली आती है, कितने देते हो? 4,000 रुपए देते हैं। पाँच घरों में काम करती है वो। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आपने झूठ नहीं, आप बोल रहे हो, समझ में आ गई? 4,000 रुपया देते हो आप काम वाली को। मुद्दे पे आते हैं, आपके हिसाब से सरकार ने कितना काम? हाँ, फ्री चाहिए आपको, सबको फ्री चाहिए। आप 6 जने हैं मेरे घर में, मुद्दे पे आते हैं, बकवास करनी यहाँ पे सीखी हुई है। झूठ जो झूठ मुंह में आप बोल देते हो, जो मुंह में आप बोल दोगे, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बात मैं आपको झूठा कह रहा हूँ, आप मुझे झूठ कह रहे हो। तो क्यों दे रहे, सब दे रहे, सब दे रहे, सारा कुछ प्राइवेट कर दिया, बसें प्राइवेट कर दी, रेलवे प्राइवेट कर दी, क्या आवाज उठाना हमारा कर्तव्य चलनी चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। हम दिल्ली आते हैं यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए, सामान लेने के लिए, बिजनेस फेल कर दिए, सब कुछ फेल कर दिया, क्या छोड़ा मोदी ने? बैंक रह गया एक प्राइवेट, वो भी प्राइवेट कर देंगे, रेलवे प्राइवेट कर दी, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो बंदा 50,000 सैलरी दे रहा है उसको क्या 15,000 में रखेंगे? सदी को रोजगार मिलेगा। बात तो सही है। एक साहब के ठीक है, अभी मोदी कहता है मोदी को वोट डालो, पर किस बात कह रहे हैं? सबका रोजगार ही नहीं मिल रहा। अब बोल सर, कह रहे देश को और युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। क्या युवा कुछ नहीं निर्मल बना, क्या बना रहे हैं? कुछ नहीं है, युवा से खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। मैं आपको बताता हूँ, पहले 100 में से 20 वाला नौकरी लगते थे, अब 100 में से 80 लगेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कब लगेंगे? कब लगेंगे? कब अच्छे दिन आएंगे? कब आएंगे? नहीं सर, आप क्यों खुश है? क्यों खुश है? अरे मैं खुश हूँ उससे। 4 साल की बात सुनो सर, 10 साल हो गए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भैया, 10 साल हो गए। मोदी ने क्या करा, किस कौन नौकरी लगा? जिनकी 22 साल उम्र थी, ठीक है, उनकी उम्र टपकी बेचारों की। तो 2 साल आगे बढ़ाइए, 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर। मेरी बात सुनो, एक बार बताओ आप, 100 बच्चे मतलब वो करते थे, फॉर्म अलाउ करते थे, उसमें से मतलब 20-30 वाला लगते थे, अब 100 में से 80 लगेंगे। आप नाराज क्यों हो? 100 में से 80 लगे, अगर वो 4 साल है, 4 साल दे रहा है। महिला सुरक्षा सबसे अच्छी क्या किया, ये 112 ने 112 की जो सर्विस चला रखी है सरकार ने, 112 की जो सर्विस चला रखी है पुलिस की, 112 की सर्विस चला रखी है, बहुत अच्छी है। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली, ठीक है। अग्निवीर बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक है। और आप देख लो हमारे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर देखो, अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज? अरे अपने मैं अपने देखो ना, मेरी बात सुनो, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आप कह रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हो युवा को नौकरी मिलती है, कनाडा की 10 लाख फाइलें लगी हुई है कनाडा की, किस लिए लगी है? यहाँ पर कुछ नहीं है, लोग
छोड़ के बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे नौकरियाँ बहुत है। अबे किधर है बे? ठीक है हाँ। मेरे को नहीं लगता उसमें 5% भी लोग नौकरी लगे। मिसाल बताते हैं। क्या बताएं मैडम, अगर एक आधी कोई मेरी बात सुने, एक आधा कोई चीज कराओ, बस एक जरूर किया है, बस ऑनलाइन पेटीएम फोन पे ये चलाया और कुछ नहीं किया।